तो वहीं सीहोर में भाजपा को करारा झटका लगा है। 5 जिला पंचायत सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, जहां जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से 4 बार के पूर्व विधायक कद्दावर कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना ने भाजपा समर्थित गिरीश सोलंकी को 4000 से ज्यादा मतों से पराजित कर दिया। गौरतलब है कि जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में एक तरफ पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के पुत्र युवा कांग्रेस नेता शशांक सक्सेना मैदान में थे, जो अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थित गिरीश सोलंकी मैदान में थे, जिनके लिए भाजपा विधायक सुदेश राय सहित पूरी भाजपा मैदान में डटी हुई थी। लिहाजा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई थी। 25 जून को हुए पहले चरण के चुनाव में पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना ने भाजपा समर्थित गिरीश सोलंकी को हराकर जिले की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया, क्योंकि बीते 2 विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व विधायक कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना सहित तमाम भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई थी। लिहाजा परिणाम आने के बाद शशांक की जीत से जिले की सियासत में पूर्व विधायक रमेश सक्सेना का कद बढ़ना लाजमी है। अब जनता 2023 विधानसभा चुनाव भी इस जीत के कई मायने निकाल रही है और सियासी जानकार तो 2023 विधानसभा चुनाव में शशांक सक्सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को भी देख रहे हैं। शशांक सक्सेना की जीत पर पूर्व विधायक सक्सेना के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया, तो युवा कांग्रेस नेता शशांक सक्सेना ने जीत के बाद पिता रमेश सक्सेना और माता उषा सक्सेना का भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सीहोर।